दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनूप ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5th से स्टार्ट करेंगे। हम लोग पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4th तक कर चुके हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। तो हमारे पास 5th क्वेश्चन क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स, यानी कि हमको एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर है 3x4, यानी कि 3x4 का हमको एक मैट्रिक्स बनाना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि aij = 1/2 (-3i + j), और सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है aij = 2i - j, यानी कि हमको एक इसका मैट्रिक्स बनाना है 3x4 का और एक इसका बनाना है। ठीक है, तो पहले हम इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है aij = 1/2 (3i + j). ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जब 3x4 का मैट्रिक्स है, यानी कि 3 रो और 4 कॉलम्स, ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स हो गया a11, a12, a13 और a14। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ भी a21, a22, a23 और a24। ठीक है, और a31, a33, a32, a33 और a34। हमको जो है ये एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे इस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने के लिए, ये एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए जो 3 रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, और 4 कॉलम्स यानी कि फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम, हमको इतने एलिमेंट्स चाहिए ही चाहिए इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए। तो यहीं से निकालेंगे। देखिए जो फर्स्ट वाला होता है, जैसे कि a11 दिया है, तो ये 1 जो है ये i होता है, और ये वाला 1 जो है ये j होता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला होता है i और सेकेंड वाला होता है j। तो यहीं से हम निकाल लेते हैं सारे एलिमेंट्स। तो फर्स्ट निकालते हैं हम a11। जब a11 निकालेंगे तो i की जगह 1 और j की जगह भी 1, तो हो गया 1/2 - 3+1, तो क्या हो गया -2 और 1/2। अब -2 का मॉड क्या होगा, +2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा। इसी प्रकार निकालेंगे a12, यानी कि i की जगह 1 और j की जगह 2, तो रख देते हैं, ये हो गया -3 और i जगह रखें 1 तो मतलब नहीं है, और प्लस j की जगह हो गया 2, तो क्या हो गया हमारे पास 1/2 और -1 का मॉड, तो हो गया 1/2। अब निकाल लेते हैं a13। जब a13 निकालेंगे तो i की जगह 1 और j की जगह 3, तो 1/2 - 3+3, तो हो गया 0। a14 निकालते हैं तो 1/2, i की जगह 1 और j की जगह हो गया 4, तो रख देते हैं -3+4, तो हो गया 1/2। अब निकालते हैं a14 तक निकालना था, तो a14 तक निकाल चुका हूँ। अब a21 का निकालते हैं। जब a21 का, तो ये हो गया i का और ये हो गया j का, यानी कि i = 2 और j = 1, तो रख देते हैं 1/2। जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो हो जाएगा -6+1, तो हो गया 5/2। जब हम निकालेंगे a22 निकालेंगे तो 1/2, i की जगह 2 और j की जगह भी 2, तो हो गया -6+2, तो क्या हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 4/2, यानी कि 2। अब a23 निकालते हैं तो 1/2, i की जगह 2 और j की जगह 3, तो हो गया -6+3, तो क्या हो जाएगा 3/2। अब a24 निकालते हैं तो हो जाएगा 1/2, i की जगह 2 और j की जगह 4, तो -6+4, तो क्या हो गया 2/2, तो यानी कि 1। ठीक है, हमारा 2/4 तक निकालना था तो 2/4 तक हम निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, a31 का निकालना है। तो जब a31 का निकालेंगे तो देखिए
A31, तो A31 का निकालेंगे तो क्या होगा, I की जगह 3 और J की जगह 1, तो रख देते हैं 1/2, जब 3 रखेंगे तो -9 और +1 तो जाएगा 8/2 यानी कि 4। A32 निकाल लेते हैं, जब A32 निकालेंगे तो I की जगह 2 और J की जगह सॉरी I की जगह 3 और J की जगह 2, तो रख देते हैं तो 1/2 -9 +2 यानी कि 7/2, ठीक है। अब निकाल लेते हैं A33, जब A33 निकालेंगे तो I की जगह 3 और J की जगह भी 3, तो हो गया 1/2 -9 +3, तो क्या हो गया 6/3 यानी कि 2 सॉरी 6/2 यानी कि 3, ठीक है। अब A34 निकाल लेते हैं, जब A34 निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 I की जगह 3 और J की जगह 4, तो रख देते हैं तो -9 +4, तो क्या हो गया -5 मॉड में और अपॉन में 2, तो हो जाएगा 5/2। ये सारे एलिमेंट्स हमारे निकल चुके हैं, अब इन एलिमेंट्स की वैल्यू जो है पुट कर देंगे इस मैट्रिक्स में, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम, A11 क्या दिया है हमारे पास 1, A12 की वैल्यू क्या है 1/2, A13 की वैल्यू है 0, A14 की वैल्यू है 1/2, ठीक है। अब A21 की वैल्यू दी है 5/2, A22 की वैल्यू है 2, A23 की वैल्यू क्या है 3/2, फिर A24 की वैल्यू है 1, ठीक है। अब A31 की वैल्यू है 4, A32 की वैल्यू है 7/2, A33 की वैल्यू क्या है 3 और A34 की वैल्यू क्या है 5/2, और ये क्या है 3x4 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। हम करते हैं अब इस सेकेंड वाले को, तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या दिया हमारे पास, AIJ = 2i-j, ठीक है। और हमको निकालना क्या है 3x4 का मैट्रिक्स, यानी कि A11, A12, A13 और A14, इसी प्रकार A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34, यानी कि हमको 3x4 का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट इससे निकलेंगे पूरे, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं A11, जब A11 निकालेंगे तो I की जगह 1 और J की जगह भी 1, तो रख देते हैं तो होगा 2-1 तो हो जाएगा 2, A22, जब A22 निकालेंगे तो सॉरी A12, जब A12 निकालेंगे तो I की जगह 1 और J की जगह 2, तो रख देते हैं जगह 2-2 तो हो गया 0। अब निकालते हैं A13, जब A13 निकालेंगे तो I की जगह 1 और J की जगह 3, तो हो गया 2-3 तो हो गया क्या -1। अब A14 निकालते हैं, तो जब A14 निकालेंगे तो I की जगह 1 और J की जगह 4, तो हो जाएगा 2-4 तो क्या हो जाएगा -2, क्या होगा -2। अब A21 निकालते हैं, क्योंकि A14 तक ही चाहिए अपने को, अब निकालना है A21, तो यानी कि I की एक वैल्यू 2 है और J की वैल्यू है 1, तो निकाल लेते हैं, जब 2 या रखेंगे यहाँ पर तो होगा 4-1 तो जाएगा 3। अब A22 निकालेंगे, जब A22 निकालेंगे तो I की जगह 2 और J की जगह भी 2, तो जाएगा 4-2 तो हो गया 2। अब A23 निकालेंगे तो I और J रख देते हैं तो होगा 4-3 तो हो गया 1। A24 निकालते हैं, यानी कि I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 4, रख देते हैं तो होगा 4-4 तो होगा 0, ठीक है। अब देखिए अब निकालते हैं A31, क्योंकि यहाँ पर 2, 4 तक ही चाहिए अपने को। अब A31 निकालेंगे
यानी कि i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 1, तो रख देते हैं तो 6 माइनस 1 तो होगा 5, a 3 2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, जब i की जगह 3 रखेंगे और j की जगह 2 तो जाएगा 6 माइनस 2 तो होगा 4, अब a 3 3 निकालते हैं तो जगह जब i की जगह 3 और j की जगह 3 रखेंगे तो जगह 6 माइनस 3 तो होगा 3, अब a 3 4 निकालते हैं यानी कि i की जगह 3 और j की जगह 4 तो 6 माइनस 4 तो होगा 2, ठीक है। अब इन वैल्यू को यहाँ हम रख देते हैं और वही हमारा होगा आंसर। तो देखिए a 11 क्या है, हमारे पास 2 है, a 12 क्या है 0 है, a 13 क्या है माइनस 1 है, ए 14 क्या है माइनस 2 है, ठीक है। अब रखते हैं ए 21, यहाँ पर ए 21 की वैल्यू है 3, ए 22 की वैल्यू है 2, ए 23 की वैल्यू है 1 और ए 24 की वैल्यू है 0। यहाँ पर देखिए अब ए 31 की वैल्यू है 5 और ए 32 की वैल्यू है 4, ए 33 की वैल्यू है 3 और ए 34 की वैल्यू है 2, तुम्हारा मैट्रिक्स बन गया है 3/4 का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर, तुम्हारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तुम्हारे पास 6 क्वेश्चन क्या दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, यानी कि एक्स वाई और जेड की हमको वैल्यू फाइंड की करना है और हमको क्वेश्चन दिया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन तीनों क्वेश्चन में हमको एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि जो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है, ये फर्स्ट वाला यानी कि अगर हमको दो मैट्रिक्स दिए हैं, ठीक है, ये ए वन वन है, ये ए वन टू है, ये ए टू वन है और ये ए टू टू है, ठीक है। अगर हमको ये मैट्रिक्स दिया है और यहाँ भी अगर हमारे पास ए वन वन है, ए वन टू है और ए टू टू, सॉरी ए टू वन और ए टू टू, अगर ये दिया है तो ये ए वन वन इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो इसी प्रकार जब ये 4 इसके इक्वल होगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये x इक्वल होगा 1 के तो x की वैल्यू आ गई 1 और z इक्वल होगा 3 के तो z की वैल्यू आ गई 3। इस प्रकार आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए जब अब इसको सॉल्व करेंगे सेकेंड वाले को, तो आपको पता है कि ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, तो लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6, यहाँ से लिख लेते हैं 5 प्लस जेड इज इक्वल टू हो गया 5 और थर्ड x इंटू वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले जब जेड की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो जगह 5 माइनस 5 यानी कि 0, जेड की वैल्यू आ गई हमारी 0, ठीक है। अब x प्लस वाई हमारे पास है और x इंटू वाई है, तो अब x और y की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए हम क्या कर देते हैं, x इज इक्वल टू यहाँ से लिख लेते हैं 8 अपॉन वाई, यानी कि y को इधर ट्रांसफ़र किए तो x इज इक्वल टू हो गया 8 अपॉन वाई, अब इसको यहाँ रख देते हैं तो हो जाएगा x की जगह क्या रखेंगे 8 अपॉन वाई, तो 8 अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 6, जब इसका एलसीएम लेंगे तो y आएगा और 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो हो गया वाई स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6y, ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लेते हैं y की वैल्यू, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, अब इसको तोड़ लेते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस ये जगह 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो y कॉमन होगा तो y माइनस 4 माइनस 2 का मान होगा तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। जब y की वैल्यू 2 होगी, ध्यान दीजिए जब y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ रखेंगे जब y इज इक्वल टू 2 तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और जब y इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और जेड की वैल्यू हमारी है 0, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो ध्यान दीजिए जब इसको करेंगे तो क्या है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके, तो लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हो गया 9, x प्लस जेड
इज इक्वल टू हो गया 5 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ से निकालना है x, y और z की वैल्यू। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, y प्लस जेड है और ये भी y प्लस जेड है, तो इस y प्लस जेड की जगह हम रख देते हैं 7 को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू आ गई 7, इधर जाएगा तो हो जाएगा 9 माइनस 7, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, x प्लस जेड है, तो इस x और z की जगह रख देते हैं हम क्या 5 को, तो क्या आएगा हमारे पास y प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, जब x की वैल्यू है 2 तो यहाँ से निकाल लेते हैं z की वैल्यू, तो 2 प्लस z इज इक्वल टू 5, तो z इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तुम्हारे पास हो गया x, y और z की वैल्यू, तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तुम्हारे पास 7th क्वेश्चन क्या दिया है कि फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, यानी कि ए बी सी डी की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमारे पास ये दिया है, तो देखिए हम जानते हैं कि ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके। तो अब क्या करते हैं, देखिए लिख लेते हैं हम a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू लिख लेते हैं 0, 2a प्लस सी की जगह लिख लेते हैं 5 और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या निकल सकता है, यहाँ से निकलेगा कि 2a इज इक्वल टू बी। ठीक है, 2a इज इक्वल टू बी यहाँ से निकल गया। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा जब हम b की जगह 2a रखेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा a माइनस 2a इज इक्वल टू दिया है माइनस 1, तो माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 1, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, देखिए हम क्या किए, इसको ट्रांसफ़र किए तो 2a इज इक्वल टू b हो गया और b की जगह हम रख दिए यहाँ पर 2a, b की जगह यहाँ से हम रख दिया 2a, तो a माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1, तो a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब देखिए जब a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, हम जानते हैं कि 2a इज इक्वल टू b है, तो a की जगह रख देते हैं 1, जब a की जगह रखेंगे 1 तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, जब यहाँ पर हम a की जगह रखेंगे 1 तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू b हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब देखिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं c की वैल्यू, 2a, a की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, तो इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू है 5, तो c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3, 5 है और 2 उधर जब ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, तो आएगा 3। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं d की वैल्यू, क्या दिया है 3 इंटू c, तो c की वैल्यू क्या है 3, तो 3 इंटू 3 हो गया, प्लस d, प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d की वैल्यू क्या आएगी 13 माइनस 3, 3 जो 9, तो क्या होगा 4, तो d की वैल्यू हो गई 4। तो a b c और d तीनों की वैल्यू आ गई है और हमारा यही है क्वेश्चन नंबर 7th का आंसर। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th। हमारे पास 8th क्वेश्चन क्या दिया है कि हमको एक ए मैट्रिक्स दिया है जिसके एलिमेंट आई जे के फॉर्म में होंगे। ठीक है, ए आई जे के फॉर्म में जिसके एलिमेंट होंगे, और ये क्या बताता है, ये बताता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, यानी कि ये वाला बताता है रो को और ये बताता है कॉलम को। ठीक है, ये रो है और ये कॉलम है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में, इसे मान लीजिए मैट्रिक्स है ये, ठीक है, और इसमें है R1 और R2, यानी कि दो रो हैं, तो कॉलम भी दो होने चाहिए। अगर तीन रो हैं तो तीन कॉलम, चार रो है तो चार कॉलम, पांच रो है तो पांच कॉलम, यानी कि जितने रो हैं कॉलम भी उतने होने चाहिए, यानी कि m बराबर होना चाहिए n के, तभी जो है वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। तुम्हारे पास 9th क्वेश्चन क्या दिया है कि हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें से। ठीक है, ये हमको दिया है और हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हम जानते हैं कि ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके। तो देखिए जब 3x प्लस 7 इज इक्वल टू रखेंगे 0 और y प्लस 1 इज इक्वल टू रखेंगे 8, 2 माइनस
3x इक्वल टू रखेंगे 4 और 5 के इक्वल रखेंगे इसको, यानी कि y माइनस 2 इक्वल टू 5। तो अब यहाँ से निकालते हैं हम x, y और z की वैल्यू। तो पहले यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस 7, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 7 अपॉन 3। यहाँ से देखिए, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 8 माइनस 1 तो हो जाएगा 7, यानी कि y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा कि 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 है, तो 3x इक्वल टू क्या होगा, ये 3x को हम इधर ले गए और 4 को इधर ला लिए, तो क्या होगा, माइनस 2। क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 2 माइनस 4 तो हो जाएगा माइनस 2, 3x इक्वल टू, तो x इक्वल टू आ गया माइनस 2 अपॉन 3, यानी x की दो वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 प्लस 2 यानी कि 7, यानी कि y इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू तो 7 ही है। और अब देखिए x की वैल्यू, x की वैल्यू एक है माइनस 2 बाई 3 और एक देखिए माइनस 7 अपॉन 3। तो अब देखिए ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में क्या है, देखिए ऑप्शन में है x इज इक्वल टू, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या दिया है, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, तो माइनस 1 अपॉन 3 तो कुछ है नहीं यहाँ पर। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन में तो है नहीं, थर्ड ऑप्शन क्या है, y इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3, यानी कि ये दिया है और ये दिया है, ये आपका सही है, x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 और y इज इक्वल टू 7। ठीक है, हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10th। तुम्हारे पास 10th क्वेश्चन क्या दिया है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ एंट्री 0 और 1। क्या करना है हमको, देखिए हमको ये पूछा है कि अगर मैट्रिक्स में 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x3 का, तो 3 रो होंगे और 3 कॉलम्स, और जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर वो या तो 0 हो सकता है या तो 1, 0 या फिर 1, 0 या फिर 1, यानी कि इसको कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, इस 0 और 1 को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं इस 3x3 के मैट्रिक्स में। तो इसका आंसर क्या होता है, इसमें होता है 2 की पावर n, हमेशा याद रखिए होता है 2 की पावर n। अब n क्या होगा, n जो 3x3 है ना, तो ये हो गया 9 और n की जगह हो गया 9, तो 2 की पावर 9, और जब आप 2 की पावर 9 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 512, यानी कि 512। अब जब 2 की पावर 9 करेंगे तो आंसर आएगा 512, और ऑप्शन नंबर डी है शायद आपका, तो ये सही होगा। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10th भी होता है कंप्लीट। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।